आपके प्यार के बिना और आपके सपोर्ट के बिना कोई भी यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं बनता। थोड़ा डिफरेंट दिख रहा हूँ पहले से, क्योंकि मैं कभी क्लीन शेव कराता नहीं हूँ। तो आज मैंने नाना जी के काम के टाइम पे मैंने क्लीन शेव कराया था, और जो नाना जी का जो काम था वो बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हुआ, कोई भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी जो है, जैसा मैं और धृति हम लोग दोनों ने जैसा प्रॉमिस किया था कि हम लोग डेली व्लॉग्स लेके आएंगे, तो उस पर काम चालू है और हम लोग कोशिश करेंगे एवरी डे व्लॉग बनाने का। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, प्लीज़ कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, क्योंकि आपके प्यार के बिना और आपके सपोर्ट के बिना कोई भी यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं बनता। तो इसीलिए आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसा है आप लोगों का हालचाल। सो अभी हम लोग जाएंगे, एक्चुअली मेरे को वैंस जाना है थोड़ा, क्योंकि मेरे को एक शूज़ पसंद आया, तो मैं वो देखने जाऊंगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो मैं देखूंगा, बात करूंगा, अगर वहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं सीधा, मैं आपको सीधा नीचे मिलता हूँ। सो फाइनली जो है नीचे आ चुका हूँ, और एक्चुअली एक देसी जुगाड़ लगाया हूँ। ये एक्चुअली हैंड ग्लव्स है, तो यहाँ पे एक स्विच है हेडलाइट का, हेडलाइट ऑन एंड ऑफ, तो इसको मैंने कवर कर दिया क्योंकि बारिश बहुत हो रही है कलकत्ता में बहुत, तो देसी जुगाड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर स्विच ख़राब हो गया तो फिर 250-300 रुपये का खर्चा। तो इसीलिए मैंने जो है उसको कवर कर दिया है, वो भी हैंड ग्लव्स से, सर्जिकल ग्लव्स। ओए होए, ये क्या हो गया, रास्ता बंद, ये क्या हो गया, रास्ता बंद। और आप हेलमेट पहन के कहाँ जा रहे हो? एक काम था वेडिंग का, तो वो हो चुका है, तो अभी इन लोग जो है डेकोरेशन वाले जो हैं उन लोग अपना सामान खोल रहे हैं, और पहले जाऊंगा बुआ जी से मिलूंगा, उसके बाद ही फिर जाऊंगा वैंस। तो अभी वेट कर रहा हूँ, वो मेरी वाइफ जो है डेकोरेटर वाले से बात कर रही है, मे बी कोई पेमेंट वगैरह कुछ बाकी होगा या फिर कुछ ऐसा कुछ है, तो उसके लिए वो बात कर रही है, तो मैं अभी रुका हुआ हूँ उसी के लिए। हम लोग घर आए हैं बुआ जी से मिलने, और मैं बुआ जी के साथ बैठ के बात ही कर रही थी, तो इन द मीन टाइम विक्रम जाके सो गए, उनको मौका मिला तो मौका पे चौका मार दिया और सो गए। विक्रम, 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 उठिए, नहीं जाना है क्या? ये 20 मिनट से मैं सुन रही हूँ, 5 मिनट 5 मिनट, तो वो 5 मिनट 5 मिनट करके 20 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुका है, और वो बोल ही रहे हैं कि 5 मिनट 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट उनका ख़त्म नहीं हो रहा है, सो ही रहे, घोड़े बेच के सो ही रहे। तो फिलहाल मैं विक्रम को उठाती हूँ, क्योंकि हमें वैंस जाना है, तो हम लोग लेट हो रहे हैं, तो उनको उठाती हूँ, उठाने के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। तो अभी जो है मैं निकल चुका हूँ, फाइनली फ्रेश हूँ थोड़ा, एक्चुअली आँख इतनी ज़्यादा लग गई थी कि मेरे को समझ में नहीं आया कि कब 5 बज गया। टायर एयर प्रेशर चेक करवाया, तो सामने के टायर में भी कम था हवा, और पीछे के टायर पे भी, तो अभी लिया और लेके अभी जा रहे हैं, देखते हैं। मेरे को वैंस तो लगता नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, वो भी मुझे नहीं मालूम, तो देख लेते हैं, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं जब भी यहाँ से क्रॉस करता हूँ, मुझे ये ब्रिज हमेशा पहाड़ों की याद दिलाती है, हमेशा। बट फिलहाल मेरा अभी अगस्त में हम लोगों का एक राइड है, 14th and 15th of August, सो ये मैं इस ब्रिज की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ पानी और ये है ब्रिज। बहुत कुछ ढूंढा रिया के लिए, जो जो लेना था मेरे को नहीं मिला नहीं, तो अभी एक बार मैक्स ट्राई कर लेते हैं, अगर मैक्स में मिल गया तो ठीक है, अगर मैक्स में नहीं मिला तो फिर कहीं और देख लेंगे। सिटी सेंटर में जिस चीज़ के लिए आए थे वो मेरे को मिला नहीं, एक्चुअली मैं धृति के लिए आया था, वो मिला नहीं मेरे को, और धृति का एक कंप्लेन है और वो गुस्सा भी है मेरे से, क्योंकि मैंने आके के व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग एक्चुअली मैं बना नहीं पाया, क्योंकि उसके पीछे एक ही रीज़न है, जो मेरा पब्लिक फियर है ना, वो मेरे से अभी भी गया नहीं है। बट हाँ, वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल मेरी वाइफ कर लेती है, बट मेरे अंदर से वो अभी भी गया नहीं है, तो इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके मेरे को निकालना पड़ेगा और पब्लिक में व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो गाइज़, प्लीज़ गिव मी अ सजेशन कि हाँ, इस पब्लिक फियर को कैसे दूर करें, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ दो। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं सीधा आपको घर पे मिलता हूँ। तो धृति जो है निकलने के वाले, धृति जो है गुस्से में है, मेरे को देख रही है, कुछ बोलना है,
कुछ बोलना ही नहीं है। तो फिलहाल जो अभी निकलते हैं यहाँ से और सीधा मैं आपको घर पर मिलता हूँ। ऐसे मोटो व्लॉगिंग तो हो जाता है और जहाँ पे पब्लिक या भीड़ कम होती है ना वहाँ पे भी व्लॉगिंग हो जाता है, बट ये जो है इस चीज़ को कैसे दूर करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ, ये फियर जो है, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, कुछ छुपाने की कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को ख़त्म करना है, तो देखते हैं। ये पब्लिक फियर ख़त्म करने के लिए ना मुझे भीड़ में जो मर्ज़ी से कैमरा उठा के शुरू करना पड़ेगा। कैमरा उठा के कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, बट भीड़ का जो डर है, जो क्राउड फियर है, वो मुझे को ख़त्म करना पड़ेगा। तू जा भाई, मेरा बाइक है भारी और अगर मैं थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो मैं गिरूँगा। घर से एक डिमांड आया है कि लोगों को, मेरे घर वालों को तंदूरी खाना है, तंदूरी कबाब और मे बी तंदूरी, बहुत ही मस्त चीज़ बना के बेचता है। और वो है उसके पास कबाब के 3-4 आइटम हैं, टंगड़ी कबाब है और विंग्स है, चिकन विंग्स। तो अभी जाऊंगा, अभी उसी से वही लूँगा और लेने के बाद जो है घर की तरफ निकलूँगा। और नहीं, हाँ घर की तरफ निकलूँगा, और तो कोई काम है नहीं मेरे को लगा, और एक दो काम बाकी होगा शायद। मैं बता रहा था जिस शॉप के बारे में, वो शॉप यही है और ये शोंतुदा का शॉप है और ये बागुईहट्टी में है। बागुईहट्टी जिस तरफ से आप लोग कोई खाली की तरफ जाते हो वो उसी फूट पे बागुईहट्टी में है। तो अभी जो है मैं यहाँ से कबाब लेने वाला हूँ। तो ये है 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम और इनके पास हरियाली कबाब भी है बट आज मेरे को दिख नहीं रहा है। और ये है चिकन विंग्स और लेग पीस और बहुत ही रिजनेबल रेट में मस्त चीज़ जैसा मैं बता रहा था। तो इनके पास चिकन सीख कबाब है, ये कौन सा है, अचारी कबाब, ये अचारी कबाब है, ये मलाई, रेशमी मलाई, और ये बोटी मसाला कबाब। तो बहुत सारे कबाब हैं, तो आप हर चीज़ आके ट्राई। हरियाली कबाब मेरे को सुन, तो हरियाली कबाब, हरियाली कबाब ख़त्म हो गया है बस। तो अभी यहाँ से लूँगा और लेके मैं घर के लिए निकलूँगा। कबाब खा चुके हैं, कबाब के साथ जो जो स्टार्टर्स लाए थे वो भी कंप्लीट, डिनर भी कंप्लीट, मेन कोर्स जो भी लाए थे, खाना वाना सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और हाँ, वो अजी लोग आई, बहुत दिनों बाद वो लोग आए हमारे घर, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हुई, मस्ती मजाक, चिट चैट, बहुत सारा, इतना इन्जॉय किया हम लोग ने। और हाँ, आप लोग को ये लग रहा है कि कबाब लाने के बाद हम लोग व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करें, इसलिए क्योंकि बुआ जी लोग के साथ कुछ और नए मेंबर्स भी हमारे साथ थे, फैमिली मेंबर्स जो व्लॉग में नहीं आना चाहते थे। और हाँ, कुछ कुछ टाइम अपने फैमिली के लिए भी होना चाहिए, कुछ कुछ पर्सनल टाइम, क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए, जो हमने किया, तो इसलिए हम लोग व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे कल मिलते हैं एक फ्रेश डे फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।